ये कहानी शुरू होती है वसुदेव और देवकी के विवाह से। विवाह के बाद देवकी का भाई युवराज कंस उन्हें महल की ओर ले जा रहा था। कंस बहुत क्रूर था, लोग उससे बहुत डरते थे। अचानक आकाशवाणी हुई, है कंस, जल्द ही देवकी के आठवें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस बच्चे को मार डालता था। इस प्रकार कंस ने 6 बच्चों को मार डाला। वासुदेव का 7वां बच्चा जो बलराम था, वह वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के पास पहुंच गया और उसको खबर दी गई कि देवकी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। अब बारी थी देवकी के 8वें बच्चे की। श्रावण कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था, धुआंधार बारिश हो रही थी। देवकी का 8वां बच्चा जन्म लेने ही वाला था। मध्यरात्रि के समय देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने बच्चे को उठाया और वसुदेव तुरंत उस बच्चे को लेकर गोकुल की ओर चले। गोकुल यमुना के दूसरे किनारे पर था और यमुना में भारी बाढ़ आई थी। पर जैसे ही वसुदेव नदी के करीब आए, पानी अचानक दो भागों में बट गया, जिसके बीच से वसुदेव गोकुल की ओर बढ़ने लगे। जब वह गोकुल पहुंचे, तब उन्हें नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि नंदी के घर से आ रही है। नंदी की पत्नी यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था। एक लड़की को कंस नहीं मारेगा, यह सोचकर वसुदेव ने अपने बच्चे को नंद के घर पे रखा और उस बच्ची को लेकर मथुरा आगे आए। जैसे ही वसुदेव कारागृह में लौटे, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। जल्द ही कंस भी कारागृह में पहुंच गया और उसने लड़की को छीन लिया और उसके पैर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और वो लड़की उसके हाथों से छूकर आकाश में उड़ गई और उसने कहा, दुष्ट कंस, तुम्हारा वध करने वाला अभी भी जीवित है। अगले दिन गोकुल में सभी लोग नंद के बेटे को देख के बहुत हर्षित हो गए और उसका नाम रखा गया कृष्ण। जब भी मैया यशोदा माखन बनाती, वो चट करता। नृत्य करना भी पसंद था, इसलिए वो राधा के साथ रास लीला भी किया करते थे।
उन्हें नृत्य करना भी पसंद था, इसलिए वो राधा के साथ तारशीला भी किया करते थे। I'm gonna be your guide।